आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्टेंट हीटिंग वाटर टैप खरीदना हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। इस वीडियो में हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये हीटिंग वाटर टैप ऑन करने के कुछ ही सेकंड्स बाद हमको तुरंत गर्म पानी देता है। दूसरा इसका फायदा है कि इसमें हमको डिजिटल टेम्परेचर डिस्प्ले मिलता है, यूज करते वक्त पानी का टेम्परेचर कितना है ये हमको बताता रहता है। तीसरा फायदा ये है कि इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। टैप के साथ इंस्टॉलेशन मेनू दिया गया है, उसे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही हमको इसे इंस्टॉल करना है। इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई 27 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। सबसे जरूरी बात यह है कि जहां आप इसे लगा रहे हैं वहां पानी का प्रेशर तेज होना चाहिए। अगर आपके किचन या बाथरूम में पानी का प्रेशर कम आता है तो ये इंस्टेंट हीटिंग टैप काम नहीं करेगा। आपके वाटर टैंक की हाइट इंस्टेंट हीटिंग टैप से कम 20 फीट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। इस टैप में हम हॉट और कोल्ड वाटर मिक्स नहीं कर सकते, या तो ये ठंडा पानी ही देगा या गर्म पानी ही देगा। इंस्टेंट हीटिंग टैप में टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे जब हम इसको ऑन करेंगे तो अगर नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री है तो मात्र 2 मिनट में ही पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ ही इसको यूज़ करते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर 17 डिग्री से ज़्यादा ना हो। इसमें एक हैंडल दिया गया है जिसको अगर हम लेफ्ट में टर्न करेंगे तो कोल्ड वाटर आएगा, राइट में टर्न करेंगे तो हॉट वाटर आएगा और मिडिल में टर्न करने पर यह ऑफ हो जाएगा। तो अब आप ये अच्छी तरह से जान गए होंगे कि अगर आपके घर में पानी का प्रेशर तेज आता है तो ये इंस्टेंट वाटर हीटिंग टैप बिना किसी परेशानी के अच्छे से काम करेगा। प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे ही नए प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।